रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी ब्रश टूल के मुतालिक होगी। ब्रश टूल के मुतालिक होगी, ब्रश टूल को हम किस तरह यूज में ला सकते हैं। अगर आप इसकी, ये एक ऐसा टूल, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह सीखें तो यही प्रॉपर्टी इसकी बाकी टूल में भी इस्तेमाल होती है, यही प्रॉपर्टी इसकी रिपीटेड प्रॉपर्टी होगी। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ से हम सिंपल ब्रश पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने ब्रश लिया, यहाँ से हम इसकी साइज कलर कोई भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ब्लू कलर लिया, या फिर यहाँ से हम ब्लू कलर ले लेते हैं। यहाँ से ओके किया। यहाँ से आप देख सकते हैं हम एक फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये फ्री हैंड लाइन हमने ड्रॉ की। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन सीधी आ जाए तो शिफ्ट की को प्रेस करके हमने लाइन ड्रॉ की। आप देख सकते हैं इसको हम ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं, नहीं आ रही यार सीधी लाइन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते इस तरह की लाइन ड्रॉ हो रही है। शिफ्ट की को प्रेस करके आपने इसकी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से फिर आप जाके ब्रश के साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने इसको 143 से रखा है, तो ये आप देख सकते यहाँ से ब्रश का साइज बड़ा हो रहा है। फिर दोबारा हम ब्रश के साइज को छोटा करते हैं। यहाँ से हमने इसकी साइज को छोटा किया। कीबोर्ड में जो इसकी शॉर्टकट की ब्रश के साइज को छोटा बड़ा करना, वो है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से ये आप देख सकते हैं ब्रश के साइज छोटी, यहाँ से हम इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज से हम इसको बड़ा करते हैं। यहाँ से अभी आप इसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी, ये हमारे पास बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं। यहाँ से भी आप ब्रश के साइज को छोटा बड़ा कर इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देते, नहीं जो हमारे पास इसका ऑप्शन है नॉर्मल, यहाँ से कंट्रोल जेड करके कंट्रोल आल्ट जेड एक फ्रेश लेयर बनाते हैं। फ्रेश लाइन हमने ड्रॉ की। यहाँ से दूसरा कलर हमने यहाँ से पिक किया, बाय डिफॉल्ट ग्रीन ही यहाँ से चाहिए। अब हम जाते हैं इसकी जो वर्किंग प्रॉपर्टीज मोड से जाते हैं। अगर हमने इसको डिजोल्व, यहाँ से हम इस कलर को, यहाँ से हम ग्रीन कलर पिक करते हैं। यहाँ से हमने ग्रीन कलर चूज किया। अब इसको हम थोड़ा से जूम करते हैं ताकि वाजह नज़र आ जाए कि ये किस तरह से डिजोल्व हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये किस तरह दूसरे कलर में डिजोल्व मिक्स होके आया है। फिर हम अपनी तस्वीर को छोटी करते हैं माइनस से, तस्वीर छोटी हो गई। यहाँ से दोबारा क्लिक करते हैं और जो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ से आप बारी बारी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं कि किस तरह से कलर मिक्स होंगे, लाइट होंगे, ब्राइट होंगे। यहाँ से हम एक फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे ही रहते हैं। यहाँ से हम फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इसकी ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा किस तरह होगी, यहाँ से हम ब्रश के साइज को हार्ड करते हैं, फुल 100 पे लेके आते हैं। ये आप देख सकेंगे ये एक हार्ड लाइन हमारे पास ड्रॉ हो गई। यहाँ से हमने हार्ड लाइन ड्रॉ की। अब हम आते हैं इसकी ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी को हम कम या ज्यादा किस तरह करेंगे। यहाँ से अगर हम इसको 20 पे रख लेते हैं, ये आप देख सकेंगे किस तरह की लाइन ड्रॉ होगी। ये आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को किस तरह कम की। पहले जो हमने ड्रॉ की थी वो ये हार्ड किस्म की लाइन, अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड किया। यहाँ से हम दोबारा जाते हैं, कोई सा कलर भी
यूज कर लेते इसकी ट्रांसपेरेंसी को, ज्यादा करके ओपेसिटी को, ताकि डार्क कलर आए, वाजे नजर आए। ये आप देख सकते, अगर हम सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ से भी ब्रश के साइज को आप बड़ा छोटा कर से बने बनाए प्रीसेट्स भी यहाँ पर है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको हम किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ से हम ये आप देख सकते हैं, दोबारा राइट क्लिक करेंगे यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लीव ली, ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसके कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते ये इसको आप इस पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये आपने देख लिया, हम दोबारा इसको कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल आर जेड के साथ करते हैं, दोबारा इसमें से राइट क्लिक करके हमने वापस अपना ब्रश पे जाना है। यहाँ से हमने ब्रश को पिक किया, साइज यहाँ से हम छोटी बड़ी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रश के साइज को हमने किस तरह छोटा किया, कंट्रोल जेड कंट्रोल आर जेड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है फ्लो, फ्लो के लिए हम सिंपल एक लिपसी ड्रॉ करते हैं। यहाँ से आपने देख, अब हमने इसको कोई भी कलर करना हो, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से ब्लैक कलर लेने, इसको ओके करते हैं, ब्रश ले लेते हैं यहाँ से। अब हमने इसमें कलर करना, तो आप देख सकते हैं कि कलर किस तरह तेजी से ये आ रही है, इसमें कलर ये आ रहा है, इसमें कलर भी आप देख सकते किस तेजी से ये कलर आ रहा है। इसको मैं करते कंट्रोल जेड कंट्रोल आर जेड, अगर इसकी फ्लो को हम यहाँ से कम करें, या आप देख सकते इसको हम रखते फॉर एग्जाम्पल 27। अब आप इसके कलर को देख सकेंगे, ये देख सकते हैं आप कलर को कम या ज़्यादा हम किस तरह कर सकते हैं, फ्लो के जरिए हम कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह इस कम या ज़्यादा हमने इस कलर की ट्रांसपेरेंसी को हमने किस तरह कम या ज़्यादा की। कलर से हम किस तरह कम या ज्यादा, ये देख सकते हैं। ये थी आज की क्लास, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।